अरे राम राम रे रे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महामंत्र की जाप करने के विषय में एक बात यह है कि कलयुग के अंतर्गत भगवान के दर्शन कलयुग में ही नहीं, वैसे भी सबसे पहला भक्तों को भगवान के दर्शन कानन से प्राप्त होता है। जिनको कानन से दर्शन नहीं हुई है उन्हें अंकों से दर्शन नहीं होगा। तो पहला दर्शन तो कानन से होगी, फिर उसके उपरांत अंकों से हो सकता है। क्योंकि जितना हम श्रवण करते हैं भगवान के विषय में श्रवण करना और साथ ही साथ भगवान नाम का श्रवण करना, वो श्रवण करने से भगवान के दर्शन होता है। एंड शास्त्रों की बातें सुनकर भगवान के दर्शन होता है, तभी हमारे शास्त्रों को दर्शन शास्त्र कहा जाता है। दर्शन शास्त्र बिकॉज दे हेल्प वन सी द लॉर्ड। बिकॉज एक व्यक्ति को, मतलब इसलिए उनको दर्शन शास्त्र कहा जाता है क्योंकि वे हमें सहायता प्रदान करती है या हमें मदद करती है, भगवान के दर्शन करने में सक्षम बना देती है या भगवान के दर्शन कराती भी है, इसलिए दर्शन दर्शन शास्त्र कहा जाता है। तो कई बार ये सोचकर हमें आश्चर्य लगता है कि हम अपने कानून से ज्यादा विश्वास हम अपने आंखों पर रखते हैं। कानों पे ज्यादा विश कानों से ज्यादा विश्वास हम अपने आंखों पर रखते हैं, इसलिए लोग सोचते हैं कि भगवान दिखने पे मानते हैं, दिखेंगे तो मानेंगे, नहीं दिखेंगे तो नहीं मानेंगे। अगर नहीं दिखा तो फिर उनको लगता है भगवान के दर्शन नहीं हुए। बट बात यह है कि आप एक बार जरा सोचिए कि भगवान को सुनने में और भगवान को देखने में क्या अंतर है? भगवान को सुनने में और भगवान को देखने में क्या अंतर रहा? और न एंड हर चीज तो देखा नहीं, देखा भी नहीं जा सकता है। कुछ चीजों के विषय में तो हमें केवल सुनकर पता चले, कुछ चीजों के विषय में तो हमें केवल सूंघकर पता चलता है। जैसा कोई सुगंध है, सुगंध को देख तो नहीं सकते हैं, उसे तो हम सूंघकर उस सुगंध को देखते हैं। सुगंध को देखने के यही विधान है, सूंघते हैं, उसके द्वारा हम सुगंध को देखते हैं। तो इस प्रकार से हर चीज को देखने का समझने का तरीका अलग अलग होता है। हर चीज को देखने का समझने का तरीका अलग अलग होता है। जिस प्रकार से हवा, बुद्धि, मन, अहंकार, ये सारा चीजें हम देख नहीं सकते हैं। हवा को तो हम स्पर्श के द्वारा हम पता लगा सकते हैं हवा है, बट वही अहंकार वगैरह तो वो भी स्पर्श से भी पता नहीं चलेगा।
अहंकार और बुद्धि का अस्तित्व ये दूसरे प्रकार से पता चलेगा, वो है करके। तो इस प्रकार से हर चीज को देखने का, समझने का, जानने का तरीका अलग अलग होता है। अहंकार को समझने का, देखने का तरीका अलग है, बुद्धि को देखने का तरीका अलग है, हवा को देखने का तरीका अलग है, सुगंध को देखने का तरीका अलग है, और उसी प्रकार से एक कोई जानवर या कोई वस्तु को देखने का अलग। तो उसी प्रकार से अगर देखा जाए देन भगवान को भी देखने का, भगवान को अनुभव करने का या भगवान को जानने का तरीका भी अलग है। ये कैसे संभव होता है? ये जितना हम कानों से सुनते हैं उतना हमें भगवान के विषय में जान पाते, भगवान को देख पाते। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिया जो भक्ति के अंतर्गत है वो आंख नहीं है, कान है। सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिया तो भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो काम आने वाली चीज है वो सबसे महत्वपूर्ण तो कान है। जितना इस कानों को भगवान की सेवा में लगाया जाता है उतना ही जल्दी भगवत साक्षात्कार होता है। जितना ज्यादा हम इन कानों को भगवान की सेवा में लगाते हैं उतना जल्दी भगवत साक्षात्कार हो पाता है। जैसे मैं कह रहा था कि हमें इस बात को सोचकर हमें आश्चर्य लगता है कि हम जब अपना आंखों पे विश्वास रखते हैं तब कानों पे विश्वास रखने में क्या बुरी बात है, कानों पे रखने में क्या गलती है? अगर भगवान अगर आपको अपने आंखों के सामने दिख भी जाए कि कौन सी ऐसा गारंटी है कि ये भगवान ही है करके, कौन सा ऐसा गारंटी है कि ये भगवान ही है करके ना? ये तो कोई ड्रामा करने वाला भी हो सकता है, कोई ड्रामा करने वाला भी हो सकता है जो कि अभी के समय पर आपका आंख सामने दिख गया, या कोई जादूगर हो सकता है कि जो कि सडनली दिख गया, कोई अपना सिद्धि उन्होंने प्राप्त कर लिया और अपना रूप बदल कर आपके आंखों के सामने आ गया। तो इस प्रकार से ये इनमें से कोई से भी हो सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि वही भगवान हो। तो उसमें भी तो धोखा हो सकता है, संभव है। तो इसलिए केवल आंखों को भी, आंखों पे भी विश्वास नहीं किया जा सकता है, आंखों पे भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसलिए पहला दर्शन भक्तों को कानों से होता है, कानों से होता है। इसलिए हमें सबसे ज्यादा जोर हमें भक्ति में कान पे डालनी चाहिए, जितना ज्यादा हो सके कानों को भगवान की सेवा में लगाना है, जितना हो ज्यादा हो सके भगवान के विषय में सुने, जितना हो सके हम भगवान के नाम जो हम श्रवण करें। इस प्रकार से ये कान बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एंड उसी प्रकार से जिह्वा, ये जिह्वा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है भक्ति में। जिह्वा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए बताया जाता है कि सेवोन्मुखो ही जिह्वा दो। सबसे पहला हमें सेवा में अपने जिह्वा को लगाना चाहिए। जिह्वा आदो, जिह्वा इत्यादि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर
व्यक्ति स्वयं एव स्फुरत यदः, जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपना जिह्वा इत्यादि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, देन फिर भगवान स्वयं एव स्फुरति, उनकी हृदय में स्वयं ही अपने आप ही स्फुरित होने लग जाते हैं, उनकी स्मरण अपने आप ही आने लगता है, भगवान की स्मरण, अगर जिह्वा इत्यादि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाए। इसलिए इस प्रकार से जिह्वा को, कान को, इन दोनों को भगवान की सेवा में लगाना सबसे महत्वपूर्ण है। एंड इन दोनों को एट ए टाइम भगवान की सेवा में लगाने का तरीका ही नाम जप है। इतने जो महत्वपूर्ण दो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का, साइमल्टेनियसली वे सेवा में लगाने का विधि है ये नाम जप, जिसके अंतर्गत हम जिह्वा को भी भगवान की सेवा में लगा रहे हैं और अपना कान को भी भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, दोनों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। इसलिए नाम जप सबसे महत्वपूर्ण विधि है भक्ति के अंतर्गत, जिससे बहुत जल्दी व्यक्ति भगवत साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत दोनों ही जिह्वा और कान दोनों ही भगवान की सेवा में लग जाता है। जिह्वा भी इसलिए महत्वपूर्ण है भगवान की सेवा में लगाना, जिह्वा हालांकि 3 इंच का होता है जिसमें हड्डी तक भी नहीं होता, हड्डी तक भी नहीं होता है, बट ये इतना चपल है, इतना चपल है और इतना मुश्किल है इस जिह्वा को नियंत्रण में करना कि भगवान बुद्ध गीता में कहते हैं कि सबसे भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं कि तार मते जिह्वाति लोभमय सुदूर मति, इसमें कहते हैं कि सारा इंद्रियों में से सबसे कठिन अगर कोई इंद्रिय है जिसे नियंत्रण करना जो सबसे कठिन होता है वो है जिह्वा। सारे इंद्रियों में से सबसे कठिन है नियंत्रण करना, जिह्वा को नियंत्रण करना कठिन है। इसलिए बुद्ध गीता में भी इसलिए तो भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं कृष्ण बड़ो दयामय करी बारे जिह्वा जय, कृष्ण बड़ो दयामय, कृष्ण बहुत दयामय होकर अत्यंत दया के कारण वो क्या कर रहे हैं, स्वा प्रसाद अन्न दिलो बाई, अपने स्वयं का ही प्रसाद हमें देकर उस प्रसाद खाने के द्वारा अपने जिह्वा को नियंत्रण में लाने में हमें सक्षम बना रहे हैं। जिह्वा के यही दो कार्य है ना, खाना और बोलना, खाना और बोलना, ये दो कार्य है, इन दोनों को भगवान की सेवा में लगाना होगा। खाना होता है तो हमें केवल और केवल भगवान को प्रसाद खाना चाहिए, और बोलना है तो केवल भगवान के नाम या भगवान की कथा बोलना है। अगर जिसने बस ये नियम बना लिया अपने जीवन में, मैं अगर कुछ भी खाऊं तो केवल और केवल भगवान का प्रसाद खाऊंगा, एंड कुछ भी बोलूंगा तो केवल भगवान के नाम ही बोलूंगा और कुछ नहीं, या भगवान की कथा ही बोलूंगा और कुछ नहीं। इस प्रकार से जिन्होंने ठान लिया और जिसने इस प्रकार के अभ्यास कर रहे हैं वो अपने जीवन में, देन वो बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार को प्राप्त करे, बहुत जल्दी, क्योंकि भोजन का बहुत बड़ा संबंध है भजन के साथ। इसलिए दोनों एक प्रकार का शब्द है, भोजन और भजन। जिनकी भोजन पे नियंत्रण नहीं है उनकी भजन भी नहीं हो पाता, जिनको भोजन पे नियंत्रण नहीं फिर उनको भजन क्या होगा। तो जिनकी भोजन ठीक है फिर उनकी भोजन भी पक्का होगा, उनकी भजन भी पक्का हो जाएगी। तो इसलिए भोजन भी बहुत महत्वपूर्ण है ठीक रखना। कुछ भी उल्टा सीधा खा रहे हैं
तो फिर भजन नहीं हो पाएगी, भजन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए भोजन जितना शुद्ध है, भजन उतना पक्का और शुद्ध होगा, उतना शुद्ध होगा। इसलिए कहीं पे भी कुछ भी खा लेना ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि माया सबसे, माया को हमारी अंदर प्रवेश करने का सबसे आसान तरीका है भोजन। बिल्कुल सीधा अंदर पेट में चले जाती है माया, बहुत इजी तरीका है हमें इन्फेक्ट करने के लिए, बहुत इजी तरीका है। जिस प्रकार से अगर कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरे पेट खराब है और बहुत दर्द कर रहा है, सुबह से लूज मोशन हो रहा है, देन डॉक्टर क्या पूछता है, कल तुमने क्या खाया, पूछता है ना, कल तुमने क्या खाया है, क्योंकि हमने जो खाया है उसके आधार पर डॉक्टर को पता चल जाता है कि इसने, मतलब हमारा जो पेट खराब है, पेट दर्द कर रहे हैं, वो पेट लूज मोशन हो रहे हैं, तो उसी से डॉक्टर को पता चल जाता है कि इसने कुछ गड़बड़ खा लिया, गलत चीज इसने खा लिया, बेचारे पेट में इन्फेक्शन चलेगी और खराब। उसी प्रकार से अगर हमारी भजन खराब चल रही है, जब में ना ध्यान नहीं लग रहे हैं, श्रवण पठन में मन नहीं लगता है, गलत गलत प्रकार के विचार आती है और चेतना सही नहीं है, देन फिर समझ लेना चाहिए कि माया घुस गई है अंदर, एंड हमारे भोजन में कहीं ना कहीं त्रुटि रही है, त्रुटि रही है, तो इसलिए ये सारा चीजें खराब जा रही है। तो इस प्रकार समझ लेना होता है। तो भोजन ठीक रखने का मतलब ये है कि भक्तों से बनाया हुआ, भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद होनी चाहिए। बनाना भी भक्तों को होना है, भक्तों के द्वारा बनाया हुआ होनी चाहिए और भक्तों के द्वारा भगवान को भोग लगाया हुआ होनी चाहिए, तभी जाकर वो प्रसाद बनता है, प्रसाद बनता है, ये जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई भी भोग लगा सकता है, नहीं, भगवान स्वीकार नहीं करते। यहाँ तक भी शास्त्र, हमारा आचार्य इस प्रकार से कहते हैं कि अगर विष्णु मंदिर में लगाया हुआ भोग भी स्वीकार नहीं कर सकते, विष्णु के मंदिर में, बाकी मंदिरों की बात तो दूर की है, श्री विष्णु के मंदिरों में अगर भोग लगाया हुआ है वो भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, अगर जो भोग लगाने वाला पुजारी का अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, उनको ये श्रद्धा नहीं है कि विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, श्री कृष्ण है, तो इसका मतलब वो भक्त नहीं है। तो भक्तों की ये सिंपल डेफिनेशन एक जगह पर प्रभुपाद जी देते हैं, One is convinced that Krishna is the supreme personality of Godhead. जिनके अंदर ये श्रद्धा है कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वही भक्त है, सिंपल है। अगर उनके अंदर श्रद्धा नहीं है तो फिर वो भक्त नहीं है, तो उनको लगता है कि विष्णु भी देवी देवताओं में से एक है या इसी प्रकार की चीजें लग रही है, देन फिर वो भक्त नहीं है, देन फिर भक्ति नहीं है, तो फिर भगवान उनके द्वारा लगाए हुआ भोग स्वीकारी थोड़ी करेंगे, हालांकि सामने रख तो लेंगे बट भगवान स्वीकार नहीं करने वाले हैं, एंड भगवान स्वीकार ही नहीं किया देन फिर वो भोग प्रसाद थोड़ी बना है।
भगवान ने स्वीकार नहीं किया तो फिर वो भोग प्रसाद नहीं बना, देन प्रसाद नहीं बनाया तो फिर वैसा आहार ग्रहण लेने पे क्या होगा, फिर इन्फेक्शन ही होगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। एंड उसी प्रकार से वो भोग बनाने वाला व्यक्ति भी भक्त होना चाहिए, भोग बनाने वाला व्यक्ति भी भक्त होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर कैसे भी उल्टा सीधा बनाएगा और उल्टा सीधा चेतना के साथ बनाएगा। तभी अगर दक्षिण भारत में जाएं, वहां पर सिंपल मंदिरों में भी कभी भी बाहर से लाया हुआ भोग भगवान को नहीं लगाया जाता है। ऐसा नहीं रेडीमेड हल्दीराम से खरीद कर ले आया सोन पापड़ी और लगा दी भगवान को, तो ये नहीं चलता है। आजकल लोगों को तो फिर हल्दीराम से लाने का दूर की बात है, अपने घर पे भी स्वच्छता के साथ बनाने के बनाकर लाएंगे वो भी नहीं लगाते। अपने घर पे बिल्कुल शुद्धता के साथ बिल्कुल बना के नया डब्बा में डालकर आप लेंगे ना, वो भी नहीं लगाएंगे, लगाएंगे नहीं। लगाना क्या, वो तो गर्भगृह के अंदर मतलब ऑल्टर के पास भी नहीं ले जाते। केवल और केवल जो प्रामाणिक ब्राह्मण लोग या वैष्णव जब बनाते हैं बस उसी को ही भोग लगाते हैं, बस नहीं तो फिर नहीं लगाएंगे। क्योंकि असलियत में तभी प्रसाद बनता है, तो प्रसाद बनता है डेफिनेटली। फल वगैरह तो लेते तो है, फल के अलावा कोई भी पकाया हुआ सामान तो नहीं लेते। तो वैसा इतना मतलब स्ट्रिक्टली नियमों का पालन करते हैं तो ठीक है। एनीवेज तो बात यही है कि जब इस प्रकार से बनाकर भगवान को भोग लगाकर जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं एंड उस भोजन पे भी नियंत्रण है, देन नियंत्रण का मतलब है किस समय खाना और कितना खाना, किस समय खाना है एंड कितना खाना है, अगर इस पे भी नियंत्रण है देन फिर व्यक्ति की भजन ठीक से हो पाएगी, इसका मन व्यक्ति भजन ठीक से हो पाएगी। फिर इस पे भी नियंत्रण होना होगा कितना भोजन और किस समय और क्या क्या खा रहे हैं, क्योंकि हमेशा बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाना भी ठीक नहीं है। हमेशा बिल्कुल 4-5 स्वीट बना रहे हैं खा रहे हैं तो ये भी ठीक नहीं है, एंड दूसरी ओर बिल्कुल बंद कर देना भी ठीक नहीं है। तो ये भी एक अच्छा न्यूज है, बिल्कुल बंद कर देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा मन इट विल क्रेव, क्रेविंग होता है, क्रेविंग मतलब समझते हैं क्रेविंग, हिंदी में क्या कहेंगे, बहुत क्रेविंग होता है मन में सेटिस्फैक्शन के लिए, एंड बीच बीच में हम वो सेटिस्फैक्शन नहीं देंगे ना, बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाता है मन, डिस्टर्ब्ड हो जाती है, इसलिए बीच बीच में कभी कभी खिला देते हम मन, ठीक है आज कोई बात नहीं, आज फीस्ट है खा लो, आज हमारे लिए फीस्ट है आज खा लो, बट रोज फीस्ट नहीं मनाने का, रोज ही फीस्ट नहीं मनाने का, ठीक है कभी कभी चलता है।
इसलिए यात्राओं में अच्छा प्रसाद रखते हैं, है ना? या हर बार तो नहीं। तो इस प्रकार उस बिकॉज ये भी मन को नियंत्रण करने में मदद करती है, कभी कभी जिह्वा को संतुष्ट करना, मन को नियंत्रण करने में मदद करती है। इसलिए बिकॉज भक्तों के पास द ओनली बोनाफाइड सेंस ग्रेटिफिकेशन है प्रसादम। ओनली बोनाफाइड सेंस ग्रेटिफिकेशन है, बाकी और कुछ बचा नहीं है। तो इसलिए कोई बात नहीं, आप इस हद तक ले सकते हो, बट इतना भी नहीं है कि पेट खराब हो गया, पच नहीं रहा है, ये सब भी नहीं होना है, एंड वो भी हर बार भी नहीं। तो इस प्रकार से जिह्वा को नियंत्रण में लाना चाहिए। एंड एक तो प्रसादम खाकर भगवान की सेवा में लगना हो गया, ये प्रसाद खाना भी तो सेवा है, भगवान का ही सेवा है। एंड दूसरा, जिह्वा से भगवान के नाम जप करके, भगवान के नाम जप करके, तो हम इसलिए जब भी हमारी जिह्वा से जो भी शब्द प्रकट हो वो भगवत संबंधित शब्द ही होने चाहिए, भगवान की सेवा के साथ संबंध हो, या नहीं तो भगवान के नाम ही हो, कुछ न कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। कभी भी कोई भी ऐसा शब्द हमें नहीं बोलना है जिससे अन्यों को तकलीफ हो या हमारे लिए तकलीफ, कभी ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से अपने जिह्वा को नियंत्रण में रखना चाहिए, ये वाणी की तपस्या है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्, भगवान गीता में कहते हैं अपने वाणी को नियंत्रण में रखने का क्या मतलब होता है। वहां पर कहते तीन प्रकार की तपस्या है, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या और शरीर। इसमें वाणी की तपस्या के अंतर्गत ये बात बताइए, अनुद्वेग कर्म वाक्यम, अनुद्वेग अनुद्वेग कर्म, अनुद्वेग उत्पन्न करने वाला वाक्य या शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए, दूसरों की मन को विचलित करने वाला शब्द नहीं बोलना चाहिए। एंड सत्यम, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। और हितम, हमेशा अन्यों को हित करने वाला बातें कहनी चाहिए। तो उस प्रकार से सत्य बोलना चाहिए, हित करने वाला वाक्य बोलनी चाहिए, हित करने वाला बातें कहनी चाहिए, एंड वाक्य भी इन ऐसा वाक्यों को प्रयोग करनी चाहिए जिसे अन्यों को अनुद्वेग, एजिटेशन, डिस्टरबेंस उत्पन्न ना हो। एजिटेशन कैसे आता है, जब हम जब भी बोलते हैं, तब जब भी हम बोलते हैं तीन बातें बहुत महत्व रखती है, तीन बातें बहुत महत्व रखती है। एक आप द कंटेंट ऑफ योर वर्ड्स, जो उन शब्दों का जो कंटेंट है, जो क्या बोलना चाह रहे हो, वो मैटर, वो कंटेंट। एंड दूसरा, जो शब्दों का प्रयोग
प्रयोग आप करते हो, कौन सा शब्द को आपने चुना है उस कंट, मतलब एक ही मैटर को अलग अलग शब्दों से एक्सप्रेस किया जा सकता है, एक ही मैटर को, एक ही कंटेंट को अलग अलग शब्दों के प्रयोग से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो शब्द एंड तीसरा टोन, टोन बहुत महत्वपूर्ण है, एक ही शब्द को अलग अलग टोन से बोला जा सकता है। एंड चौथा आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये चारों बहुत मैटर करती है बोलते वक्त, इन चारों में कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ी होता है देन दूसरा व्यक्ति इजरीर हो जाता है। अगर आपकी मैटर भी सही है, शब्द भी सही है, पर टोन खराब है, ऐसा ऊंचा चिल्लाते हुए आप कह रहे हो, इन पे तुरंत क्या होगा, वही शब्द एंड वही मैटर चिल्लाते हुए कह रहे हैं, इन सामने वाले इजरेट हो जाएगा, अनुद्वेग हो जाएगा। एंड उसी प्रकार से हमारे बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण होता है उस समय, बिकॉज हमारी हमारी जो भावनाएं हमारे आंकों से हो, हमारे टोन से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, तो वो से देखकर भी व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए जब किसी के साथ हम डील करते हैं, हमें तीन बातों को ध्यान रखते हुए डील करना होगा। कल ही एक भक्त हमसे कह रहे थे कि प्रभु जी, जब कोई हमसे डिस्टर्ब होता है तो उनसे उनकी डिस्टर्बेंस को देखकर हम ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेरी वजह से वो डिस्टर्ब हो गया। डेफिनेटली भक्त सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इसलिए अगर कोई व्यक्ति उनकी वजह से डिस्टर्ब है देन फिर उनकी डिस्टर्बेंस को देखकर वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस प्रकार से आप अन्यों को डिस्टर्ब करेंगे फिर उससे आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए हमें जब एंड फिर इस प्रकार से हम डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, देन फिर जाप क्या कर पाएंगे, देन जाप करते वक्त फिर वही सारे डिस्टर्बेंस बारंबार हमारे मन में चलता रहेगा। इसलिए हमें कभी भी अन्यों को इस प्रकार की तकलीफ नहीं देना चाहिए, ऐसा बात नहीं भूलना चाहिए। अगर आप अपने टोन को, बॉडी लैंग्वेज को, शब्दों को सही प्रकार से चुनेंगे ना, कई बार कंटेंट कंटेंट भी इतना मैटर नहीं करता है जितना कि टोन मैटर करेगी, जितना बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है, कंटेंट भी इतना मैटर नहीं करता है। कई बार गाली भी क्यों ना हो, आप अगर सही टोन में बोलेंगे व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, कोई बात नहीं। अब दे तो रहे गाली बट बिल्कुल सॉफ्ट टोन में, बहुत सिंपली और बहुत स्मूथली प्लेजेंटली प्रेजेंट कर रहे हो, सामने वालों मान लेते ठीक कोई बात नहीं कर, इज्जत नहीं होगा, मतलब हर बार तो नहीं। तो इस प्रकार से ये सारा बहुत महत्व रखती है, महत्व रखती है। तो विद दिस हमारा रिलेशंस प्रॉपर रहेगा, आपको बोलना आता है सही से, बोलना आता है सही से, देन यू कैन मेंटेन गुड रिलेशंस। अगर अच्छा रिलेशंस रहेंगी देन आप जॉब भी अच्छा हो पाएगी, अगर रिलेशंस डिस्टर्ब होता जाएगी तो बहुत मेंटल डिस्टर्बेंस, मेंटल एंग्जाइटी रहता है। तो इसलिए रिलेशंस को अच्छा रखना भी अनिवार्य है भक्ति के लिए।
भक्ति के लिए अनिवार्य है। तो बिकॉज हम लोग भक्ति भौतिक स्तर पर रहकर कर रहे हैं, मटेरियल प्लेटफॉर्म पर रहकर हम भक्ति कर रहे हैं। एवरीथिंग इज अ पोटेंशियल डिस्टर्बेंस टू अस, हर चीज हमें डिस्टर्ब करने की क्षमता रखती है क्योंकि हम मटेरियल प्लेटफॉर्म पर गड़े हैं। वही अगर कोई व्यक्ति इस मटेरियल प्लेटफॉर्म से उठ जाता है देन फिर सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस डू नॉट अफेक्ट हिम नेगेटिवली। व्यक्ति इस भौतिक स्तर पर उठ जाता है देन फिर उन्हें तो ऐसा सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस अफेक्ट नहीं करेगी नेगेटिव, देन तब तो दिक्कत, मतलब तब भी ऐसा नहीं कि तब हम चिल्लाएंगे, तब तो स्वाभाविक रूप से बहुत व्यक्ति क्योंकि बोली ही इतना मीठा होगी कि क्योंकि हम जिस भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं उनका बोली तो ऐसा होता है कि गोपिया कहती कि मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया, भगवान जब आप बोलते हो ना ऐसा लगता है कि आपके मुंह से अमृत टपक रहा है, आपके मुंह से अमृत निकल रहा है करके हमें लगता है। मधुर या गिरा वल्गु वाक्य, आपके शब्द इतना मधुर है बस लगता है कि बस हम सुनते जाए और हमारे कानों में कोई अमृत डाल रहे करके हमें लगता है। तो ऐसा भगवान के अनुसरण करते हुए हम कैसे अपने मुंह से विष निकाल सकते हैं, क्योंकि फिर भगवान के नाम खराब हो जाएगी। देखो फिर लोग कहेंगे देखो भगवान क्या बात है, भगवान की क्या बोल रहे। इसलिए जब हम बोलते हैं इट शुड बी वेरी स्वीट एंड प्लेजेंट, हम भी बहुत ही अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में रहेंगे और पीसफुल रहना अनिवार्य है भक्ति करने के। वन हु इज नॉट पीसफुल एंड प्लेजेंट फ्रॉम विद इन एंड हैप्पी एंड सैटिस्फाइड फ्रॉम विद इन वो भजन नहीं कर पाएगा, भजन नहीं कर पाता। तो इसलिए ये वाणी की तपस्या करना भी अनिवार्य है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत, प्रियम भी इट शुड बी वेरी प्लीजिंग टू अदर्स, बहुत प्लीजिंग होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको बोलना चाहिए। तो भगवान से हमें सीखना होगा हाउ प्लेजेंट एंड स्वीट ही इज, हाउ प्लेजेंट ही इज। एंड निश्चित रूप से जिस भगवान की हम पूजा कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं उस भगवान की नित्य प्रतिदिन हम स्मरण करें, उनके गुणों का स्वभाव की स्मरण करें, देन जिनकी स्मरण कर रहे हैं उनकी संग तो हम कर ही रहे हैं तो उनका गुण तो हमारी अंदर भी थोड़ा थोड़ा तो आ ही जाएगी, थोड़ा थोड़ा आ ही जाएगी। तो इसलिए हम भी उतना नहीं है तो थोड़ा बहुत तो उस प्रकार के बनेंगे। एंड सो ये जिह्वा को उस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और कानों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। एंड ये काम हम नाम जप के दौरान यही करने का प्रयास करते हैं।
एंड कान भी जैसे मैंने कहा इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जस्ट अगर आप एक काम करेंगे तो डेफिनेट है आपकी कॉन्शियसनेस बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी. क्या काम है? वन शुड ऑलवेज एंश्योर ही इज हॉन्टेड बाई ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन. मेरी हम अपना जीवन को ऐसा मोल्ड या बना देना होगा कि जिस प्रकार से कभी किसी को भूत पकड़ लेती है ना, भूत पीछे पड़ जाता, मतलब चिपक जाता, भूत छोड़ती नहीं उसे, उस प्रकार से ये जो दिव्य शब्द भगवान की कथा के रूप में और भगवान के नाम के रूप में वो हमारे जीवन में भूत की तरह लग जाना है, छिपक जाना है, कभी छूटना नहीं. हमेशा कान में कुछ ना कुछ जाना ही है, नाम के रूप, नाम या कथा, नाम या कथा जाना ही है कान में. तो उस प्रकार से हमेशा अपने आप को जिस उस प्रकार से बना दे, उस प्रकार से बना दे, कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ कान में जाते रहना होगा, कथा के रूप में जाते रहना होगा या कीर्तन के रूप में जाना होगा, जाप के रूप में जाना होगा, कुछ ना इस प्रकार से जाना होगा. बिकॉज ये कान के द्वारा जो जाएगी वही आपकी कॉन्शियसनेस को इफेक्ट करेगी, कॉन्शियसनेस को इफेक्ट करेगी. आप क्या सुन रहे हो, दिन भर क्या सुन रहे हैं. सो डोंट लेट मटेरियल साउंड वाइब्रेशंस एंटर योर ईयर्स. हमेशा उसके अंदर भगवान के नाम, कीर्तन और कथा ही जाते रहना, और हमेशा कुछ ना कुछ जाते रहना चाहिए. इसलिए कोई भी काम करते वक्त कीर्तन वगैरह चला कर हमें काम करना होगा. कीर्तन चलाओ और काम करिए, खाली नहीं होना, कान को खाली मत छोड़ो. ऑलवेज एंगेज्ड, हमेशा उसको सेवा में लगा, कुछ ना कुछ सुनिए, कथा सुनिए. भगवान की इतने सारे कथा है आजकल की, इंटरनेट में इतना कुछ उपलब्ध है, बट प्रामाणिक चीजें लीजिए और प्रामाणिक चीजें सुनिए, कुछ भी उल्टा सीधा मत करिए. ठीक है, ऐसा कितना भी जाएंगे तो समाप्त नहीं होगा. क्या समाप्त कर देते हैं. धन्यवाद. किसी का कुछ प्रश्न है? गर्भगृह का क्या मतलब होता है? गर्भगृह मतलब सैंक्टोरम, इंग्लिश सैंक्टोरम कहते हैं. सैंक्टोरम मतलब जिस मंदिर के अंतर्गत डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, नाट्य मंडप, कीर्तन मंडप, ऐसा ऐसा कुछ ना, तो जो सबसे अंदर वाली जो भाग है, जिस भाग में भगवान को सिंहासन पे विराजमान किया गया है, तो वो गर्भगृह कहा जाता है. उसे गर्भगृह कहा जाता है जिसमें भगवान को विराजमान की गई है, वो बिल्कुल अंदर की कमरा है. वैसा तो दक्षिण भारत में तो गर्भगृह कहते हैं, यहाँ पर तो इतना प्रचलित शब्द नहीं है ये. और गर्भगृह में किसी भी प्रकार की आर्टिफिशियल लाइट इत्यादि होता नहीं है आइडियली. उसमें केवल दिया जला कर रखते हैं, वो दिया की कांति में भगवान के दर्शन करते हैं. तो वैसा है. ठीक है. यस, हाँ माता जी, अनुजा माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. प्रभु जी एक क्वेश्चन था, जैसे अब मैं वैसे बेसिकली अमृतसर में रहती हूँ, मतलब नोएडा टेंपल में प्रभु जी सेवा नहीं दे सकते, तो आप सजेस्ट करिए कि हम मतलब घर पे ऐसा क्या कर सकते कि भगवान की सेवा हो जाए, क्योंकि टेंपल में प्रभु जी सेवाएं देना बहुत जरूरी है, तो वो तो हो नहीं पा रहा, तो आप थोड़ा गाइड कीजिए. तो घर को ही मंदिर बना लीजिए,
घर को मंदिर बनाइए और उस मंदिर में सेवा करिए। घर को मंदिर बनाना ये हर गृहस्थ के लिए अनिवार्य है, तभी एक गृहस्थ आश्रम बनता है, नहीं तो वो आश्रम नहीं होता है। वह सभी को ही, चाहे ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, कोई सभी क्यों ना हो, गृहस्थ भी हो, सभी को आश्रम में रहना होता है। ये आश्रम तभी माना जाता है जब हम अपने घर को मंदिर बना दिया है। तो आप सोचिए एक मंदिर के अंतर्गत क्या क्या कार्य होता है और क्या क्या सेवाएं होती है और किस भावना के साथ लोग रहते हैं। एग्जैक्टली वही चीज आप भी अपने घर पे करिए। जिस प्रकार से मंदिर में बिल्कुल ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, ये मंदिर किनका कहा जाता है, राधा गोविंद जी का कहा जाता है, उसी प्रकार से अपने घर भी हमें गोविंद जी का बनाना होगा। और मंदिर के अंतर्गत जिस प्रकार से ऑल द एक्टिविटीज आर सेंटर्ड अराउंड द डीटी, जो कुछ भी कार्य मंदिर के अंतर्गत होता है उसका केंद्र भगवान बनते हैं। उसी प्रकार से घर में जो भी कार्य हो उन सारे कार्यों का केंद्र भगवान बनना होगा। केंद्र का मतलब है उस कार्य करने का प्रेरणा या उद्देश्य भगवान होनी चाहिए। द वेरी पर्पस और इंस्पिरेशन फॉर परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी शुड बी कृष्णा। देन उस कार्य के केंद्र भगवान बनते हैं। जिस प्रकार से मंदिर में जो भी खाना बनता है वो भगवान के लिए ही बनता है, ऐसे नहीं कि हमारे लिए बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं, ये भक्ति योग नहीं है। हमारे लिए बनाकर भगवान को लगाना ये भक्ति योग नहीं है। भगवान के लिए ही बनाकर उनके प्रसाद हम खाना ये भक्ति है। तो उसी प्रकार से अगर मंदिर में हम डोनेशन कलेक्शन करते हैं, किस लिए? उस डोनेशन के उपयोग करके भगवान की सेवा सुचारू रूप से करने के लिए। एंड उसी प्रकार से घर पे डोनेशन के बजाय व्यक्ति नौकरी करता है, नौकरी करके पैसा कमाता है, क्यों? उस पैसा लगाकर भगवान की सेवा सुचारू रूप से कर सके। एंड मंदिर के अंदर सारा सुविधाएं भगवान के लिए होता है एंड भक्त बहुत सिंपली सेवक की तरह नौकर की तरह रहता है। उसी प्रकार से घर पे सारा सुविधाएं हमें एकत्रित करनी है भगवान के लिए और हम नौकर की तरह रहना चाहिए, भावना भी और उस विधान भी, जीवन जीने के विधान भी नौकर की तरह होनी चाहिए। देन यही आश्रम है, गृहस्थ आश्रम। देन फिर कोई अंतर नहीं है मंदिर में रहने का, घर पर रहने की। देन कोई अंतर नहीं है, देन घर ही मंदिर बन गया है, ऐसा। अंजु माता जी, हाँ, जप के बीच में पानी ले सकते हैं, ले सकते हैं, मैं भी लेता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा मतलब ये सवाल है कि हमें कैसे पता चले कि हम मतलब मैं अपनी बात बताऊं या मेरे हस्बैंड की बताऊं, हम दोनों ही जपा करते हैं और कोशिश करते हैं अच्छे से हम भगवान की सेवा कर सके, बहुत ज्यादा नहीं कर पाते लेकिन कोशिश करते हैं, तो हमें कैसे पता चले कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? और क्योंकि हम बहुत नए हैं, हमें इतना डिटेल नहीं पता, हम इतना नहीं कर पाते, बट जितना भी करते दिल से करते हैं, तो हमें कैसे पता चले कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और बिल्कुल हमें और आगे जाना है स्पिरिचुअलिटी में और सेवा भी करनी है, तो
हम कैसे पता कर सकते हैं कि हम सही भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? भक्ति में प्रगत होने का ये लक्षण है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति में प्रगति करने का ये नाप है, लक्षण है कि वंस अट्रैक्शन टुवर्ड्स मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स डिक्रीजेस, हमारी भौतिक चीजों के प्रति, भौतिक कार्यों के प्रति हमारी जो आकर्षण रही है वो घट जाता है, वो घट जाता है। एंड भगवान की सेवा और भक्तजन और भगवत संबंधित चीजों के प्रति हमारे आकर्षण बढ़ता है। अगर ये हो रही है, आपकी आकर्षण भौतिक चीजों के प्रति घटते हुए भगवत संबंधित चीजों के प्रति बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति में हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये नहीं हो रहे हैं, देन फिर कहीं ना कहीं समस्या है, देन फिर हम जिस भक्त से भी हम मार्ग निर्देशन हम प्राप्त कर रहे हैं उनसे हमें चर्चा करना होगा कि ऐसा क्यों हो रहे हैं, क्या समस्या है, देन फिर उस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाए। एंड भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा आप लोगों की संकल्प है, इच्छा है, भक्ति में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एंड इस फोरम के अंतर्गत जो ट्यूसडे थर्सडे क्लासेस और इस मॉर्निंग क्लासेस जो भी डिवोटीज ले रहे हैं, उसके अंतर्गत हर प्रकार से प्रयास की जा रही है आप लोगों को फैसिलिटेट करने का, सपोर्ट करने का, ताकि आप लोग अपना भक्ति सही प्रकार से कर सके, सपोर्ट किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर जो जो चीज जो जो बातें करने के लिए हम कह रहे हैं वो बातें अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आज मैं कान और जिह्वा को भगवान की सेवा में लगाने के संदर्भ में मैंने प्रसाद और साउंड वाइब्रेशन इत्यादि चीजें मैंने जो बताई है, आप करिए, देन निश्चित है भक्ति में आगे प्रगत होना। बिकॉज ये मेरी शब्दों में शक्ति नहीं है, बल्कि ये जो कार्य जो शास्त्र में बताई गई है उसमें ये शक्ति है, उसमें ये बल है कि जो भी व्यक्ति इन चीजों के संपर्क में आएगा तो आगे बढ़ेगा। तो इन सारे दौरान आप एक बात ध्यान रखना चाहिए, आप जो भी आपके फैसिलिटेटर है, जिस वक्त से निर्देशन ले रहे हैं, तो उनके संपर्क में अच्छा से रहिए, निर्देशन प्राप्त करते रहिए, आपकी सारी चीजें चर्चा करते रहें, देन फिर वो आपको सही प्रकार से निर्देशन देते रहेंगे, है ना। कौ मिल्क नहीं आता है, बफेलो मिल्क आता है, तो भगवान भोग लगा सकते हैं। डेफिनेटली लगा तो सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बट डेफिनेटली कौ मिल्क तो बेस्ट है, कौ मिल्क तो बेस्ट है, बट अगर बफेलो मिल्क भी है तो ठीक है, लगा सकते हैं। वैसे शास्त्र में तो गाय का दूध सूचित किया जाता है, बिकॉज वो बहुत फेवरेबल है भक्ति के लिए। गाय का ये भी वर्ण, एक जगह पर ये भी वर्णन आता है कि गाय का दूध पीने से व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य पड़ता है शास्त्रों को समझने, गाय का दूध पीने से। तो गाय इतना सात्विक जीव है, और वैसे सात्विक जीव की दूध पीने से हमारे अंदर वो सामर्थ्य पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन पूजा से, माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जैसे अभी आपने बताया ना कि हम मतलब जैसे भौतिक तरफ से हमारा मतलब मन हटता जा रहा है और हम आध्यात्मिक की तरफ बढ़ रहे हैं,
तो ऐसे मतलब अब मेरा ना मतलब स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ ज्यादा मन करता है, मतलब जाप करना, कथा सुनना, धाम जाना, ये सब मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। अब अपने एक्टिंग करियर की तरफ ना मेरा मन नहीं करता, मेरे को प्रोजेक्ट आते पर मेरा मन नहीं करता जाने का, है ना। मतलब मैं चीजें अवॉइड करती कि आप पैसे कम दे रहे हो ये सब। तो कल जैसे हम धाम पे गए थे ना, है ना, तो मतलब आप एक तो मैं आपको बहुत मिस कर रही थी क्योंकि पिछली बार हम आपके साथ ट्रिप पे गए थे तो बहुत मजा आया था, है ना। तो मतलब मैं आपको सबको बहुत मिस कर रही थी। तो फिर हम कल धाम पे गए तो मुझे बहुत सारे लोग मिले, तो लोग मतलब पूछ रहे मुझसे कि तुम क्या करती हो क्या करती हो। अब मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मैं उन्हें बताया कि मैं ऐसा ऐसा ये सब, कह रही हूँ तुम इतनी छोटी सी एज में एक्टिंग मतलब अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आ गई, है ना, ये सब अभी आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, ठीक है स्पिरिचुअल लाइफ में जाओ ये। तो मैं मतलब मैंने जैसे आपको सुना कि हम आपने बताया था कि हमारे को प्रोटेक्ट करने वाले हमारे मेंटर, हमारे में जो है भगवान जी हमारी सारी मतलब सुविधा का वो ख्याल रखते हैं। तो फिर हमें अपने तरफ इतना वो करने की जरूरत नहीं, हमें अपनी भगवान की सेवा में ध्यान देना चाहिए। तो फिर इस तरह से ना मतलब मेरा ना अध्यात्म की तरह ना ज्यादा वो रुझान आ गया। तो मैं समझ नहीं पा रही कि मैं क्या करूं। जो समझने हो तो समझ गया, और क्या समझना है। तो फिर मतलब क्या मुझे अपने करियर की तरफ फोकस करना चाहिए? देखिए एक बैलेंस रखना होगा क्योंकि पेट भी भरना है। पेट तो कृष्णा भर रहे हैं। इस प्रकार के भी कार्य में आप लगे हो, बिकॉज उस प्रकार की लाइफस्टाइल में आप है। अगर कोई आश्रम में है, ब्रह्मचारी आश्रम में वगैरह, देन फिर उनको इन सारे चीजें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ता है। जी प्रभु जी। जिस प्रकार की जीवनी आपकी है उसके अंतर्गत, समाज के अंतर्गत रहते हुए कई बार इस प्रकार के कार्य हमें करना ही होता है। इसलिए हमें एक डेफिनेटली मन तो नहीं है, बट एक ड्यूटी के तौर पर हमें वो कार्य करनी चाहिए। ड्यूटी के तौर पर इट इज माय ड्यूटी, मेरे ये ड्यूटी बनता है ये कार्य करना। तो वो ड्यूटी के तौर पर वो कार्य करिए, मन लगाकर भक्ति करिए, मन भगवान पर लगाइए, वो ड्यूटी के तौर पर करिए। ठीक है जी। ठीक, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। अच्छा जोशना माता जी, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी, जैसे माता जी ने बोला ना, ऐसा ही प्रभु जी मेरे साथ होता है। तो जैसे हमारे यहाँ पे लड्डू गोपाल जी है, हम काफी सालों से भी लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, तो कहीं जाते हैं ना तो हम साथ में ही लेके जाते हैं। तो ये सही है क्या प्रभु जी, क्योंकि इनके बिना रहा नहीं जाता प्रभु जी, बिल्कुल घर से भी नहीं निकला जाता। नहीं, लेकर जाना ही चाहिए, बहुत अच्छा अच्छा है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि ना ऐसे गोद में लेने से, ऐसे घूमने से ऐसे कुछ भी नहीं होता है। वैसे कहीं जैसे दिन में जाते हैं तो नहीं, सारी व्यवस्था करके फिर चले जाते हैं, बोल के जाते हैं कि हम इस टाइम आ जाएंगे और आप वैसे हमारे अंतर्मन में हमारे साथ ही चलिए। तो जैसे नाइट में कहीं रुकना है तो साथ में ही लेके जाते हैं। तो अभी क्या होता है ना, कहीं जाना है जैसे घूमने का प्लान बना लिया और जैसे ऐसे लगता है आज तो कृष्णा से दूर रहना पड़ेगा, तो है ना मन में एक ऐसा होता है जैसे कहीं टल जाए, नहीं जाना पड़े घूमने और कृष्णा के बिना। तो वो कई बार है ना टल भी जाता है प्रभु जी, जहाँ पे कोई वजह नहीं होती है ना तो वहां जाना भी रुक जाता है। ऐसे एक दिन मंदिर में आने का प्लान था इसको नोएडा में ही, और उसी टाइम मेरे एक बेटी है तो उसका कहीं घूमने का भी प्लान था कि ना हम बाहर चलते हैं घूम के आते हैं, पर हम मेरे मन में ऐसे मेरे प्रभु जी का उनका भी था भी आज चलो कहीं घूमने जाते हैं। तो मेरे मन में ऐसे हुआ कि आज अगर चले गए ना तो कृष्णा से दूर रहना पड़ेगा और कृष्णा को भी वहां पे साथ नहीं लेके जा सकते। तो ऐसे मैंने ऐसे मन ऐसे ना अंदर से दुखने लग गया। तो ऐसे हुआ तो थोड़ी देर में क्या हुआ प्रभु जी, बारिश आ गई उस दिन तो, और ना बहुत तेज बारिश आई।
तो है ना ऐसे, फिर मैंने बोला आज तो हम नहीं जा सकते, बारिश आ गई है, इसलिए ना हम मंदिर चलते हैं। मंदिर में तो ऐसे है ना भी गाड़ी से उतरे और मंदिर के अंदर जाके बैठ जाएंगे तो हमें बारिश कुछ भी नहीं कहेगी। और है ना हम लोगों ने फिर प्रभु जी भी बोले हाँ ये बात सही है, तो है ना हम लोग मंदिर चले गए और मंदिर में आपकी कथा सुन के और फिर घर पे आ गए वापिस। तो इतना अच्छा लगता है कि कृष्णा भी टाल देता है कई कई बार भी, इनको अच्छा नहीं लगता तो नहीं जाना चाहिए, मेरे पास ही रहो आप। तो बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी, और आपका आपसे हमें इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी हमें कुछ भी नहीं पता था भक्ति के बारे में ऐसे, तो अभी जो सुबह मंत्र मेडिटेशन है शास्त्र चक्षु प्रभु जी उनका भी क्लास ज्वाइन करते हैं और आपके भी क्लास ज्वाइन करते हैं, कभी मिक्स हुए वो मिस हुए हैं वीडियो, तो वो हम जैसे यूट्यूब से वो सुनते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। आपने वो क्या कहते जीवन बदल दिया हमारे, कृष्णा के और करीब लेके आ गए आप, बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, इसे ही लगे रहिए और हम सभी प्रभुपाद जी के संग में हम आगे बढ़ रहे हैं, बस उनको पद चिन्हों में चलते चलते हम भी उनके संग में हम भगवत प्राप्त भगवान को प्राप्त करेंगे। ठीक है, वैसा हो रहा एक हैंड है बट ऑलरेडी 7:55 हो गया, हम कभी सुनेंगे आप सभी। ओके धन्यवाद। तो हरे कृष्णा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। तो जैसा कि आज बहुत विशेष लेक्चर था, तो हम लोगों को जो प्रभु जी ने बातें बताई हैं उनको आप सभी नोट भी कर सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। जैसे कि प्रभु जी बता रहे हैं कई बार हम लोग धाम जाते हैं तो ये गलती हम लोग करते हैं, कई बार हम लोग अपने से चले जाते हैं और किसी भी जगह और उस विषय के बारे में नहीं जानते, उस धाम के बारे में, उस तत्व के बारे में नहीं जानते। जैसा प्रभु जी बता रहे थे कि हमें सुनना चाहिए, कानों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो प्रायः हमसे इस प्रकार की गलती होती रहती है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपने से हम लोग इस प्रकार से ध्यान रखें कि कहीं भी जा रहे हैं तो विशेष करके दर्शन का सही माध्यम क्या है, कानों के माध्यम से पहले हम लोग सुने साधु के मुख से, है ना। और जैसे दूसरा चीज प्रभु जी बता रहे थे वाणी की तपस्या के बारे में, है ना, और जीवा की तपस्या के बारे में बेसिकली। तो हमें ये चीज भी ख्याल रखना है कि जब हम लोग घर पे कोई प्रोग्राम करते हैं या फिर अपने निजी जीवन में भी जब कुछ कर रहे हैं तो विशेष करके भक्तों के द्वारा ही प्रसाद बनाकर इस प्रकार से करें और भगवान को ऑफर करें। और ये चेतना भी रखना है कि हम लोग भोग बना रहे हैं, मतलब भगवान के लिए हम लोग बना रहे हैं ना, उसको प्रसाद के रूप में फिर ग्रहण करें, अपने लिए बना रहे हैं ये चेतना रखना हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, है ना। तो कितना इम्पोर्टेंट है हमारी चेतना का सही होना, है ना। जैसे प्रभु जी ने दूसरा ये भी बताया था कि इवन अगर अब कोई व्यक्ति विष्णु को भी भोग लगा रहे हैं और उनका चेतना सही नहीं है तो वो भी प्रसाद ग्रहण करने योग्य नहीं रहता, है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज को विशेष करके हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, है ना। और लास्ट में जैसे प्रभु जी ने वाणी के बारे में बताया, तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि सत्यम हितम और प्रियम, है ना, तीन चीजें हमें देखनी चाहिए जब हम लोग किसी से वार्तालाप करते हैं। तो और ये भी बताया कि क्या कंटेंट रहना चाहिए, हमारे शब्दकोश कैसा रहना चाहिए, वर्ड क्या रहने चाहिए, है ना, और डिलीवरी टोन और बॉडी लैंग्वेज हमारी कैसी रहनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें एक भक्त को विकसित करनी चाहिए, है ना। हमारे आचार्य भी ये सब बताते हैं, तो हम लोग भक्ति के पथ पर इस प्रकार से अग्रसर हो रहे हैं तो हमें ये सारी चीजें विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, कई बार ये लगता है कि छोटी चीजें हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में तो हम लोग वीक पड़ जाते हैं, है ना। तो आप सभी भक्त इसमें प्रयास कीजिए, हम सभी मिलकर इस प्रकार से प्रयास कर सकते। और एक और विशेष चीज, जैसे कुछ भक्तों के प्रश्न थे एसोसिएशन को लेके, है ना, या फिर भक्ति में कैसे और आगे अग्रसर हो सकते हैं। तो जैसे जब भगवद गीता कोर्स अभी कुछ समय पहले हुआ था तो कुछ क्लोज्ड ग्रुप रहते हैं मंदिर में, है ना, क्लोज्ड ग्रुप रहते हैं जिनमें आपको एक इंडिविजुअल फैसिलिटेटर रहते हैं,
वो आपको सहायता करते हैं इस प्रकार से, है ना। तो जैसा प्रभु जी ने भी बताया, तो आप सभी भक्त ये अश्योर करिए कि अश्योर कीजिए कि आप सभी भक्त किसी ना किसी क्लोज ग्रुप से कनेक्टेड हों, है ना। वहाँ पे ज्यादा डिवोटी नहीं रहेंगे तो आप वहाँ पे भी अपने एसोसिएशन से रिलेटेड या फिर भक्ति में कैसे और अग्रसर होना है वो सारी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं ना। तो ये एक पॉइंट आप सभी भक्त नोट कीजिए और ये इंश्योर कीजिए कि आप किसी किस स्पेसिफिक क्लोज ग्रुप से कनेक्टेड रहें, है ना। ठीक है, तो हम लोग प्रभु जी का एक बार विशेष करके धन्यवाद देंगे इस विशेष लेक्चर के लिए। और यात्रा का शायद कोई पूछ रहा है। हाँ ओके, तो एक और दो को माता जी जैसे क्वेश्चन है, तो हम लोग एक और दो को वृंदावन यात्रा जा रहे हैं, तो आप सभी भक्त उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। अभी अभी आज 13th है, अभी 17 डेज हैं, आप अपने बाकी जो भी सैटरडे संडे को कार्य प्लान कर रहे हैं उन उसकी जगह यात्रा के लिए फिर प्लान कर सकते हैं वृंदावन यात्रा के लिए। तो हम लोग एक बार विशेष करके प्रभु जी का धन्यवाद देंगे हरे कृष्णा महामंत्र बोल के, और आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री हरिनाम प्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।